रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 30 अगस्त को राखी के पर्व को लेकर प्रदेश भर में उत्सुकता देखी जा रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रही हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को गिफ्ट करने के लिए सोने चांदी चॉकलेट समेत अन्य गिफ्ट की खरीदारी कर रहे हैं। इस राखी पर बाजार में 30% से ज्यादा खरीदारी होने से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। राखी का पर्व प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाने वाला पर्व है। इस राखी का पर्व किसी जाति धर्म का पर्व नहीं, ये पर्व सभी जाति धर्म में मनाया जाने वाला है। इस पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। वहीं भाई राखी के बंधन से बहन की रक्षा करने का वचन देता है। जयपुर के बाजार राखी और सोने चांदी की राखी से सजे तो बहनें राखी की खरीदारी के लिए बाजार पहुंची। 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की राखी बाजार में बेची जा रही है, तो वहीं चांदी की राखी 100 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की बाजार में उपलब्ध है। इस बार बाजार में बहनें अपने भाई के लिए मौली के धागे की राखी और रुद्राक्ष राखी की मांग ज्यादा कर रही हैं, तो वहीं चंद्रयान की राखी खरीद की मांग भी देखी जा रही है। राखी के पर्व पर बाजार में खरीदारी 30% से अधिक होने पर व्यापारियों में खुशी की लहर है। भैया भाभी का जो कलेक्शन है, भैया भाभी का जोड़ा पेयर आता है, वो भी ज़्यादा डिमांड में है, उसकी भी अच्छी डिमांड है। हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, हालांकि थोड़ा बहुत माल बचा है, लेकिन करीब करीब 90% माल हमारे पास ख़त्म हो चुका है। इस बार राखी का व्यापार जो है हर साल से अच्छा रहा है और हो सकता है आगे भी अच्छा ही रहे, लेकिन इस बार बढ़िया व्यापार है। राजधानी जयपुर के जौहरी बाजार के ज्वेलर्स का कहना है कि इस राखी के पर्व पर लोग मौली के धागे के साथ सोने चांदी की ज्यादा मांग कर रहे हैं। मुंबई से आई अनुजा ने बताया कि जयपुर की सोने चांदी की राखी काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए जयपुर से चांदी की राखी अपने भाई भाभी के लिए खरीद कर ले जा रही हूँ। वहीं ज्वेलर्स कैलाश चंद मित्तल का कहना है कि इस राखी का सबसे ज्यादा लोग चांदी की राखी मौली के धागे के साथ मांग कर रहे हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को इस राखी के पर्व पर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए सोने की अंगूठी, चैन, कानों के कुंडल सहित अन्य की खरीद की जा रही है। लोगों की मांग के मुताबिक चांदी की राखी तैयार करवाई जाती है। पिछले साल की तुलना में इस साल राखी के पर्व पर चांदी की राखी और गिफ्ट की खरीद की मांग ज्यादा है। ऑर्डिनरी राखी भी कोई खरीदेगा तो वो भी अब कम से कम मिनिमम 150 रुपए की राखी आती है, तो चांदी को शुभ मानते हुए चांदी की राखी की बिक्री हिसाब से काफी अच्छी आ जाती है। काफी लोग होते हैं जो 100-150 रुपए की, जैसे राम राखी के रूप में होती है, उस में साथिया लगा होता है, कोई लक्ष्मी गणेश का चित्र लगा होता है, कोई ओम शास्त्रिक लगा होता है, इस टाइम की राखी होती है, शुभ मानते हैं, उस टाइप की राखियाँ काफ़ी अच्छी बिकती है, जो 100 रुपए से लेकर 300 रुपए की रेंज में आ जाती है। तो इस बार राखियों का सीजन में काफ़ी अच्छी चांदी की राखियाँ बिकी है। तो राखी का त्यौहार के हिसाब से ये राखी लेने के लिए आए, लेकिन ये सबसे शानदार राखी लगी मेरे को इस बार की, नई चीज़ चांदी की राखी, तो ये लेकर आए, भाई को भी साथ में लेकर आए, तो इन्हीं को बॉम्बे से आए तो इन्हीं को पसंद करा देते कि भाई तुम्हारी क्या पसंद है, क्योंकि सही टाइम पे आए। इस बार राखी भी साथ में हम लोग मना रहे, तो हम सोच रहे कि साथ में इनको लेकर पसंद कराएं, भाई तुम्हें तुम्हारी क्या पसंद है। राखी की खरीदारी के साथ मिठाइयों की खरीदारी भी की जा रही है। बाजार में विभिन्न प्रकार की मिठाइयों से सजी दुकानों पर शुगर फ्री मिठाई की भी अधिक मांग की जा रही है। मिठाइयाँ 450 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की कीमत की बेची जा रही हैं, जिसमें बंगाली मिठाई, मावे की मिठाई, रसमलाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले समेत अन्य प्रकार की मिठाइयों से दुकानें सज कर तैयार हैं। पिछली बार से बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें स्पेशल गुंजिया है, अपने केसर बर्फी है, बटर स्कॉच कलाकंद है, मिल्क केक है, कोकोनट बर्फी है, बंगाली स्वीट्स है, ये सब पसंद कर रहे हैं। और ये परसों से त्यौहार आ रहा है, कितनी ये 440 स्टार्ट है, 1600 तक का है। ड्राई फ्रूट मिठाई है, बंगाली स्वीट्स है, बर्फी है, 440 रुपये किलो केजी से स्टार्ट हो गया, 1600 रुपये तक का है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक है। एक तरफ बहनें जहां अपने भाई के लिए तरह तरह की राखी खरीद रही हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को गिफ्ट देने के लिए जेवर से लेकर महंगे गिफ्ट खरीद रहे हैं। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।